आपके साथ जहां दिलशाद खान और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबर पर। हरिद्वार जिले के कस्बा लक्सर में किसानों ने की महापंचायत, जिसमें राकेश टिकैत ने पहुंचकर हरिद्वार जिले के किसानों की समस्या सुनकर सभी किसानों को आश्वासन दिया कि अगर हम सब मिलकर इसी तरह से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ईश्वर ने चाहा हमारी ही जीत होगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम सब मिलकर इसी तरह से लड़ते रहेंगे, सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्सर पंचायत में वापसी खादर शेरपुर में देवेंद्र खालसा जी के आवास पर राकेश टिकैत जी पहुँचे। शेरपुर खादर के किसानों ने मिलकर राकेश जी का शॉल उड़ाकर बड़े धूमधाम से स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव सुआहेड़ी कस्बा प्रकाशी टोला प्लाजा पर राकेश जी का स्वागत किया गया। मौके पर जसविंदर सिंह प्रधान, हरविंदर सिंह बदला, गुरमेल सिंह, गुरनाम सिंह दादूपुर, बीडीसी बलकार सिंह और देवेंद्र सिंह, खालसा मराठी प्रतापपुर प्रधान कमहेंडिया उम्मीद उपेंद्र सिंह, बाजवा सुखदेव सिंह, बलविंदर सिंह, तख्त सिंह आदि मौजूद रहे। प्रकाशी से मन्नत समाचार शहजाद पत्रकार की रिपोर्ट। सर, आज आप लक्सर का आज दौरा किया है, जैसे कि महापंचायत की, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? यहाँ को तो भाई लक्सर में को मीटिंग करी वहाँ पे, और जो उत्तराखंड का किसान है उसका भी हाल उत्तर प्रदेश जैसा ही है। गन्ने का भाव नहीं है, पिछला भुगतान नहीं है, पूरा जो पहाड़ का किसान है वो भी तंग है, तो हालात तो ज़्यादा खराब है, पूरे देश की हालात खराब है और लोगों में करंट बहुत है। सर, आप काफी समय से जो है दिल्ली धरना में बैठे हुए हैं, अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। 10 महीने हो गए, इसके विषय में क्या कहेंगे? जैसे कि 10 महीने हो गए, अगर 10 साल भी आंदोलन चलेगा तो देश का किसान आंदोलन चलाएगा, 10 साल भी वापसी नहीं जाएगा। जब तक समाधान नहीं होगा, कानून वापसी MSP की गारंटी नहीं देंगे, कानून उस पर नहीं बनेगा, तो जब तक मामला सोल्व नहीं होगा।